मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी, जिसमें बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक कार्तिकेय। आज हम लोग इसका चौथा पाठ ईद का पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपके स्कूल से जुड़ा कोई भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा पाठ ईदगाह। ईदगाह एक मार्मिक कहानी है। यह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें हामिद नाम का एक बालक, जिसके माता पिता दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उसके माता पिता सब उसकी एकमात्र दादी अमीना है। देखिए ईद के त्योहार, ईद का त्योहार आया है। पूरे 30 दिन रोजा रखने के बाद ईद आती है, तो बच्चे उस दिन बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, मेला लगता है, बच्चे उस मेले में जाने की तैयारी करते हैं। तो हामिद भी उस मेले में जाने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन उसके दादी के पास पैसे नहीं है। वो फिर भी किसी तरह हामिद को 3 पैसे देती है। आइए बच्चों देखिए, हामिद 30 ईद के दिन नमाज अदा करने के बाद अपने दोस्तों के साथ, उसके दोस्त मोहसिन, महमूद और नूरे, इन के साथ वो मेला जाता है। मेले में सभी बच्चे, उसके सभी दोस्त, कोई सिपाही, कोई वकील, इस तरीके से खरीदते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं। लेकिन हामिद, जिसके पास 3 पैसे हैं, वह भी खिलौने की दुकान पर जाता। उसके भी मन में इच्छा होती है कि मैं भी खिलौने ले लूं, लेकिन फिर भी न जाने वो क्या सोचता है और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद एक लोहे की दुकान पर चिमटा चिमटा देखता है, तो उसके मन में ये भावना आती है कि मेरी दादी माँ जब तवे से रोटी उतारती है तो उसके हाथ अक्सर जल जाया करते हैं। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी दादी माँ के लिए ये एक चिमटा ले लूँ। खिलौने तो लूंगा तो वो एक ना एक दिन टूट ही जाएंगे, तो क्यों ना मैं एक चिमटा ले लूँ, जिससे दादी माँ के मेरे हाथ नहीं जलेंगे, उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। तो बच्चा वो जब जाके चिमटे का दाम पूछता है, तो दुकानदार उसे 6 पैसे बताता है। वो कहता है, उसका अचानक से दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास तो 3 पैसे होते हैं। दुकानदार 5 पैसे में तैयार होता है, लेकिन वो फिर से कहता है कि भैया मेरे पास 3 पैसे हैं। तो दुकानदार उसे 3 पैसे में चिमटा दे देता है। वो बड़ी शान से चिमटा को अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ता है। सभी दोस्त उससे कहते हैं, अरे तुमने चिमटा खरीद लिया, ये तुम्हारे किस काम का? बोला, अच्छा जाने दो, मुझे कोई बात नहीं, मुझे ठीक है। सारे बच्चे मिठाइयाँ खरीदते हैं, उनके दोस्त, लेकिन कोई भी हामिद को उसमें अपना भागीदार, अपना हिस्सेदार नहीं बनाता। वह मन ही मन बहुत दुखी होता है। सब कहते तो हैं मेरे साथ खेलो, लेकिन किसी ने भी मुझे मिठाइयाँ नहीं खिलाई। फिर भी वह इन बातों को नज़रअंदाज करता हुआ अपने घर पहुँचता है। सभी बच्चे अपने अपने घर पहुँचते हैं। अमीना भी खुशी से जब हामिद को देखती है तो खुशी से झूम उठती है। तो उसने कहा कि अरे ये क्या ले आया चिमटा, ये तुम्हारे किस काम का? बताओ, अगर तुमने क्रोध करती है और कहती है कि तुम दोपहर हो गए, तुमने कुछ भी नहीं खाया, उसे अंदर से बहुत दुख होता है। लेकिन जब अगले ही क्षण वो हामिद की बात सुनती है तो वो आत्मविभोर हो जाती है, क्योंकि हामिद के मन में उस समय भी, मेले घूमने के समय में भी उसको अपनी दादी की चिंता थी, उसके उंगलियों की चिंता थी। तवे पर रोटी उतारते समय जब जल जाते थे तो हामिद को वो अच्छा नहीं लगता था, तो वो भी आत्मविभोर हो जाती है और उसके खुशी के आंसू छलक छलक उठते हैं। वो कितना त्याग है हामिद में, वो यही सोचती है। तो बच्चों ये थी एक त्याग की मर्मस्पर्शी कहानी, लेकिन इसमें कुछ एक्सरसाइज आपको दिए गए हैं जो आपको बुक में फिल करना है, और शब्दार्थ के साथ इसको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए।